इधर जबलपुर में सड़कों पर जाम और यातायात व्यवस्था में मुश्किल, ये आम बात है। शहर में यहाँ वहाँ ठेलों से हो रहे व्यापार ट्रैफिक व्यवस्था में खलल डाल रहे हैं। मामले पर नगर निगम का संज्ञान न लेना लोगों के लिए परेशानी अब और बढ़ा रहा है। जबलपुर स्मार्ट सिटी ने 3 साल पहले लगभग 3.5 करोड़ की लागत से हॉकर्स जोन बनाया था। हॉकर्स जोन में सड़कों पर लगने वाले ठेलों को जगह भी अलॉट कर दी गई, लेकिन आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए जबलपुर से संजीव चौधरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम जबलपुर के गुलौआ हॉकर्स जोन में हैं। आप देख सकते हैं कि इस हॉकर्स जोन को बड़े सुंदर तरीके से और नई तकनीक से बनाया गया था। बहुत सुंदर लाइटें लगाई गई हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इस हॉकर जोन को बनाने में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। यह हॉकर जोन बनाया गया था उन लोगों के लिए जो सड़कों पर अपनी दुकानें लगाते हैं। कुछ लोग सब्जियों की दुकान लगाते हैं और कुछ लोग अन्य उन चीज़ों की जो सड़क पर बेची जा सकती हैं। लेकिन बनने के बाद इन दुकानों का आवंटन तो हुआ, इन पट्टियों पर आवंटन हुआ, लोगों के नाम लिख दिए गए हैं। यासीन खान, खेमचंद्र साहू, नरेश पटेल आदि, ये बहुत सारे लोगों को आवंटन हुआ। लेकिन आवंटन के बाद इन पट्टियों पर या इन दुकानों पर कभी कोई आकर नहीं बैठा। सरकार ने भी आवंटन कर दिए और स्मार्ट सिटी जबलपुर ने इस प्रोजेक्ट को नगर निगम के हवाले पिछले 8 महीने कर दिया है। अब 8 महीने से इसकी देखरेख नगर निगम करती है, लेकिन इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आखिर लोग सड़कों पर बैठकर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। यहाँ पर जो गुलौआ ब्रिज है उसमें उसकी पट्टी पर सब्जी वाले और दूसरे फुटपाथ वाले दुकानें लगा रहे हैं और गुलौआ चौक के ट्रैफिक को ख़राब कर रहे हैं। ब्रिज में अब दुकानें लगने लगी हैं। इस बात की चिंता किसी को नहीं है कि इस हॉकर जोन में जो हमारी आपके खून पसीने की कमाई का 3.5 करोड़ रुपए लगाया गया था, अब उसका क्या होगा। हॉकर जोन बनाया सरकार ने, ये अभी तक इधर पे ये अलॉटमेंट हो गया, अभी तक लोग आके क्यों नहीं बैठे। इसमें लापरवाही पूरे नगर निगम की है और जो हमारे महापौर बने हुए हैं वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। अभी तक इसको चालू हो जाना था और बहुत सड़क में पूरा जाम लगता है, वहाँ पूरे खड़े होते हैं, अभी बोल देते हैं 15 दिन में चालू हो जाएगा, 10 दिन में, ये कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। और फिर यहाँ आने तक गतिविधियाँ होने लगी, जैसे शराब पीना, रात में तो ये आहते का रूप ले लेता हैगा। हाँ, और क्षेत्रीय जनों को बहुत परेशानी हो रही है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो, कोई करोड़ों रुपये से खर्च होकर इसको बनाया गया है। और फिर गरीब आदमी नौकरी तो कर नहीं रहे, अब धंधा नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे कमाएंगे, बताओ ना कैसे पेट चलेगा, लड़के बच्चे काय में पालेंगे। वहाँ पे धंधा नहीं होता है। मैं की एक दिन गया रहा, 20 रुपए धंधा किया, 4 बजे से खड़ा रहा, 6 बजे तक, 7 बजे तक खड़ा रहा, कोई नहीं लिया। छोटा भाई गया रहा, छोटा भाई ने कुल 40 रुपए धंधा किया रहा, कोई लिया नहीं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ नहीं लगा रहे हम। मंडी वहाँ पे पूरी चली जाए तो फिर पूरा ग्राहक वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ लगाना चालू करेंगे। मतलब ग्राहक ही नहीं आते, गिने चुने 2-3 दुकानें लग जाती हैं फिर बंद हो जाती हैं, नगर निगम आके उठा देती हैं, फिर वहाँ से लगाते हैं 2-4 दिन, फिर वहाँ से रोड में आना पड़ता है, व्यापार ही नहीं हो पाता है। लाखों रुपए महीने की लाइट का बिल भी यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि ट्रैफिक भी सुधरे और जिस काम के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वो लोग यहाँ आकर बैठें और अपनी इज्जत के साथ दुकानदारी चलाएं। वो लोग भी इधर आना नहीं चाहते, पुलिस उन्हें भगाती है, बार बार नोटिस दिए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन वो भी आकर ईमानदारी से यहाँ बैठना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि मुख्य मार्ग ना होने से उनकी दुकानदारी नहीं चलती। ऐसे शहर में और भी कई हॉकर जोन बनाए गए हैं, लेकिन ये भी होता है कि इन हॉकर जोनों में परिवार का एक सदस्य दुकान लगाने लगता है और दूसरा वहीं जाकर वापस बैठ जाता है जहां से इन्हें विस्थापित किया गया था। तो ऐसी कुछ योजना होनी चाहिए या ऐसा कोई जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि ये बार बार उन जगहों पर ना जाकर बैठे जहां इन्हें खाली कराया गया था। वीरेन शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।